हेलो एवरीवन, हमने लास्ट लेक्चर में फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.3। द स्टेटमेंट क्या है फिफ्थ क्वेश्चन की? फॉर द टू मैट्रिसेस ए एंड बी, देन वेरीफाई करना है ए और बी का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो फर्स्टली हमें क्या करना है, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका ऑर्डर है 3 × 1 और इसका ऑर्डर है 1 × 3। जो हमारे आफ्टर प्रोडक्ट टू मैट्रिक्स की जो फॉर्मेशन होगी वो होगी हमारे पास 3 × 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो ये जो है ए और बी का हमें सब फर्स्टली क्या करना है, प्रोडक्ट। सो ए और बी इज इक्वल्स टू, ए क्या हमारे पास 1 − 4 & 3 एंड बी इज इक्वल्स टू −1 − 2 & 1। अब हमें क्या करना है इनका प्रोडक्ट। सो ए बी इज इक्वल्स टू, पहले हमें 1 का सबके साथ करना है, 2 का करना है एंड 3 का करना है, मतलब हम इसको करेंगे −1 को 1 के साथ, फिर 2 को, देन 1। ऐसे ही फर्स्टली 1 के साथ करना −4 & 3, तो हमारे पास ये क्या आएगा −1 − 2 & 1। इसको करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 − 8 & −4। अगर हम ये वाला करेंगे तो ये आएगा हमारे पास −3 − 6 & 3। ये आए हमारे पास ए बी। अब हम लेंगे ए बी का ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो चेंज टू नंबर ऑफ कॉलम, −1 − 2 − 1 − 4 − 8 − 4 − 3 − 6 & 3। ये हो गया हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट और उनको ट्रांसपोज। अब हमें क्या प्रोडक्ट निकालना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो हम निकालेंगे पहले ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज। अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालें तो हमारे पास ये जो है ए मैट्रिक्स, उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा 1 − 4 & 3। और अगर हम बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो आएगा हमारे पास −1 − 2 & 1। अब इनका निकालना हमें प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट इंटू ए, मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सो −1 − 2 − 1 × a 1 − 4 & 3, ये किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब हमें ये वाली मल्टीप्लाई करनी है, तो हम इसे कैसे करेंगे, वही फर्स्टली ए को करना है ए के साथ, −4 को 1 के साथ, 3 को −1 के साथ, फिर ऐसे 2 & 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास −1 आएगा, देन +4 − 3 − 2 − 8 और हो जाएगा 6 − 3 − 4 & 3। ये किसके इक्वल है, वी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब हमारे पास जो ए बी का प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स थी ये, और बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज ये वाली मैट्रिक्स, बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था। तो हम बोल सकते हैं इस वाली कंडीशन से जो इक्वेशन दे रखी है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो गए, राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स, हमें इसे इसमें क्या निकालना है, ए बी मैट्रिक्स देन उनका ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज एज इट इज। फर्स्टली ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ए एंड बी का प्रोडक्ट लेंगे 0 − 1 − 2 एंड बी कितना है 1 − 5 & 7। ऐसी मल्टी इसका ऑर्डर कितना है 3 × 1, इसका 1 × 3। फॉर आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स जो हमारे पास ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का होगा 3 × 3। सो ए एंड बी इज इक्वल्स टू, हम इसकी करेंगे 1 की 0 के साथ, 5 की 0 के साथ 7, ऐसे 1 & 2, तो इसकी मल्टीप्लाई करके कितने की आएगा 0 & 0 और ये वाला आएगा 1 − 5 & 7 − 2 − 10 − 14। अब इसका क्या लेना है हमें ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज के अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ ए और बी का ट्रांसपोज लेंगे
जगह 0 0 0 1 5 7 2 10 एंड 14। ये हमने इस इक्वेशन का क्या लेफ्ट हैंड साइड, अब हमें निकालना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, वी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अगर हम इसका वी का ट्रांसपोज निकालें तो वी का ट्रांसपोज कितना आएगा, 1 5 एंड 7 इंटू में ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज कितना आएगा, 0 1 एंड 2। ये किसके इक्वल हो गए, वी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब इसका 0 को 1 के साथ करना, 1 एंड 2, इसे हम यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही हम 1 का करेंगे, 1 5 7, एंड 2 का भी ऐसे ही करेंगे। तो हमारे पास आफ्टर जो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, तो किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारे पास 0 0। अगर हम इसका करेंगे 0 का 1 के साथ करेंगे, एंड 1 का 1 के साथ, एंड 2 का 1 के साथ 2, देन 0 5 10, उसके बाद ये होगा 0 7 एंड 14। यह आया हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास जो ये था ए बी का ट्रांसपोज एंड बी इंटू ए, ये किसके इक्वल, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल, मींस लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गए, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें दिखाना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए मैट्रिक्स दे रखी है, हमें क्या दिखाना है, ए ट्रांसपोज इंटू ए का प्रोडक्ट करेंगे तो वो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। ए रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स जो दे रखी है, ये हमारे पास इंटू 2 इंटू 2 ऑर्डर की है, तो हम आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स जो होगी हमारी आफ्टर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन बिटवीन ए एंड ए डैश ए ट्रांसपोज, वो कितनी होगी हमारे पास, 2 इंटू 2। सो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स जो होती है 2 ऑर्डर में होती है हमारे पास, 1। आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स इतनी होगी 1 0 0 एंड 1, ये होगी हमारे 2 इंटू 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यही हमें दिखानी है। तो फर्स्टली ये ए दे रखा है, तो हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सो ए ट्रांसपोज के नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम में चेंज होगी, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड कोस अल्फ़ा, ये कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ये ट्रांसपोज। अब हमें ए ट्रांसपोज इंटू ए का प्रोडक्ट लेना है, तो ये हमारे पास हो गया ए ट्रांसपोज इंटू ए। अब इनका हमें करना है प्रोडक्ट, सो हम इनके प्रोडक्ट करेंगे, कोस अल्फ़ा को कोस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस एंड साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको करेंगे कितना आएगा, कोस स्क्वेयर अल्फ़ा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, फिर करेंगे इसके हम कोस अल्फ़ा की किसके साथ, साइन अल्फ़ा के साथ, सो कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, माइनस प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, फिर करेंगे इस वाली रो के कॉलम के साथ साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, प्लस एंड माइनस माइनस कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और ये वाला जो साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फ़ा। अब हमें पता है जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा होता है हमारे पास इज इक्वल्स टू 1। तो ये वाला जो है एडिशन ऑफ कोस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। सो इसे हम लिख सकते हैं 1। ये साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा माइनस दोनों मल्टीपल में है, एक प्लस में एक माइनस, तो कैंसिल हो कितना आएगा, 0। ये वाला भी प्लस और माइनस में है, यह आएगा 0। फिर से ये साइन स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वेयर अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये जो मैट्रिक्स आई है ए ट्रांसपोज इंटू में ए का प्रोडक्ट, ये आई हमारे पास 1 0 0 एंड 1, और यही हमारे किसके इक्वल होती है, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। सो ये हो गया हमारे पास ए डैश इंटू ए, और यही हमें दिखाना था कि 2 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इंटू में ए मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए। 6 का सेकेंड पार्ट, ए इज इक्वल्स टू दे रखे ये मैट्रिक्स, और यही करना है ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट विद अनोदर मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू होना चाहिए आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स।
सो इसका फर्स्टली हम लेंगे ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में चेंज हो जाएगा, सो साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये वाले इधर आएंगे माइनस कोस अल्फा एंड देन साइन अल्फा। ये हो गया हमारे पास ए एन। ए मैट्रिक्स हमें मिल चुकी है, अब इनका हमें क्या करना, प्रोडक्ट। सो ए ट्रांसपोज इंटू में ए, अब मैं ये वाला जो है ना ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इंटू में ए मैं यहीं पर लिख लेती हूँ। सो चलो इधर लिखती हूँ, ए ट्रांसपोज इंटू में ए इज इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा इंटू में ए। ए कितना है मेरे पास, साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस अल्फा एंड साइन अल्फा। ये किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, जो कितने ऑर्डर की होगी, टू इंटू टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, बिकॉज बोथ ऑफ द मैट्रिक्स आर टू इंटू टू ऑर्डर। सो इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम के साथ साइन स्क्वेयर का, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का साइन स्क्वेयर हो जाएगा साइन स्क्वेयर अल्फ़ा, फिर इनका करेंगे प्लस कोस स्क्वेयर अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे वो आएगा साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा प्लस माइनस कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, और ऐसे ही करेंगे हम इस वाले का। ये आएगा हमारे पास कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, और ये वाला हम करेंगे इसके साथ तो कोस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा। अब यही ट्रिग्नोमेट्री वाला रूल, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू वन, थीटा के प्लेस पे क्या है इधर एंगल अल्फ़ा, ये किसके इक्वल हो जाएगा वन, ये प्लस में माइनस में जीरो, ये वाला भी प्लस और माइनस में जीरो, और ये हो जाएगा वन। तो यही आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हो गया, जो कितने ऑर्डर के, टू इंटू टू ऑर्डर मैट्रिक्स, ये किसके इक्वल था, ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू दिस। सो यही हमें दिखाना था, ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके इक्वल होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा ए इंटू ए, जो क्या है आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स।